कुकती हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ब्यूटीफुल ट्राइबल विलेज है। आप में से बहुत सारे लोग कुकती के बारे में जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो अगर आप कुकती के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप कुकती जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाय एवरीवन, हिमानी हेयर एंड इस वीडियो में मैं कवर करूंगी मेरा कुकती का ट्रैक और कुकती का एक्सपीरियंस। सो कुकती डिस्ट्रिक्ट चंबा की भरमौर तहसील से अप्रोक्सीमेटली 23 किलोमीटर दूर है। आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर भी जा सकते हो या फिर आप HRTC की बसेस जो टाइम टू टाइम जाती रहती हैं उनमें भी ट्रैवल कर सकते हो। कुकती पार्किंग पॉइंट से 0.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आता है मेन कुकती विलेज। कुकती के मोस्टली घर ओल्ड वुडन स्टाइल के बने हुए हैं, जो विंटर्स में इन घरों को गर्म रखने का काम करते हैं। सुंदर सेब के बगीचे और साथ ही बहती मुधिल रिवर इस विलेज को और भी खूबसूरत बना देती है। और इसी विलेज से शुरू होता है हमारा कुकती से लेकर कार्तिक स्वामी टेंपल तक का मेन ट्रैक। कार्तिक स्वामी को लोकली केलंग वजीर के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे का है। अगर आप टेंपल विजिट करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि ये मंदिर नवंबर से लेकर मार्च मंथ तक हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद रहता है। उसके बाद अप्रैल मंथ में बैसाखी के टाइम पर इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और उस टाइम पे यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। इस ट्रैक के रास्ते में आपको 3-4 मैगी पॉइंट्स भी दिख जाएंगे, जहाँ कुछ देर रुककर आप आसपास के ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप कुकती ट्रैक को एक दिन में पूरा कर सकते हो, बट अगर आप स्टे करने का सोच रहे हो तो आपको ऊपर मंदिर में ही रहने की फैसिलिटी मिल जाएगी। मंदिर के नीचे भी 10-12 शॉप्स हैं जहां आप स्टे कर सकते हैं, बट वहां आपको 100 रुपीज पर पर्सन पे करना पड़ेगा। मेन कार्तिक स्वामी टेंपल से 50 मीटर की दूरी पर ही मराली माता का मंदिर भी है। मराली माता मंदिर से आपको मनी महेश पर्वत का बहुत ही सुंदर सा व्यू देखने को मिल जाएगा। ये था मेरा कुकती ट्रैक का शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो। और आप में से जितने भी लोग 2024 में कुकती विजिट करने का सोच रहे हो, तो अब अप्रैल मंथ में कुकती मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। एंड मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि एक बार कुकती ज़रूर आएँ और यहाँ की खूबसूरती को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।